हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है रेलवे इंजीनियरिंग में वो है कोनिंग ऑफ व्हील्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेलवे जो ट्रेन चलती है ट्रेन का व्हील्स कैसा होता है। नॉर्मल व्हील्स नहीं होता, उसके कुछ फिनोमिनास है, उसमें कुछ इंजीनियरिंग अपनाया गया है, तभी आपका जो व्हील्स है अपने रेलवे ट्रैक पे ही रहता है, अपने रेल्स पे ही रहता है, इधर उधर नहीं जाता, डिरेलमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसको अपन आज बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, और उसी का नाम है क्या, कोनिंग ऑफ व्हील्स। कोनिंग ऑफ व्हील्स में होता है कि एक्चुअल में आपका जो व्हील्स होता है इसका नाम समझना, कोनिंग ऑफ व्हील्स। कोनिंग ऑफ व्हील्स मतलब द व्हील्स आर मेड इन अ शेप ऑफ कोन। ठीक है, आपका जो व्हील्स बना हुआ है वो किस शेप में बना हुआ है, कोन शेप में बना हुआ है। ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कोन कोन मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से। और कोन आइसक्रीम आप सभी खाए होंगे, जब आप गर्मियाँ होती है तो कोन आइसक्रीम आता है, जिसमें जिसमें आपको जो आइसक्रीम मिलता है आपको इस कोन के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोन। तो आपका जो व्हील्स है वो किस शेप में रहता है, आपका कोन शेप में रहता है। जैसे अभी आपको कोन दिख रहा है, इस कोन में हम लोग करते हैं क्या है, कोन का हम लोग कुछ हिस्सा काट देते हैं, जैसे कि आप, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोग को, ये हिस्सा और ये हिस्सा। ठीक है, बना रहा हूँ। ठीक है, जो आपका ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है उतने हिस्से को हम लोग काटेंगे इस कोन शेप में, और वही आपका क्या है, व्हील्स का सेम टू सेम ऐसा ही इसका डायमेंशन होता है। इसी का नाम, इसलिए इसका नाम क्या आपका, कोनिंग ऑफ व्हील्स, क्योंकि इसका जो व्हील्स है कोन के शेप से आया है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका, कोनिंग ऑफ व्हील्स। इसी में आगे देखते हैं हम लोग, दिख रहा है आप लोग अच्छे से, कोनिंग ऑफ व्हील्स इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कोन शेप से, कोन शेप के अंतर्गत आया हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या आपका, कोनिंग ऑफ व्हील्स। आगे देखते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया डेफिनेशन में इसका, द व्हील्स आर मेड इन अ शेप ऑफ कोन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कोनिंग ऑफ व्हील्स। ठीक है, देखेंगे इसमें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी इंग्लिश में वही सब लिखा हुआ है, मैं आपको आसान भाषा बताऊँ, द सर्फेस ऑफ व्हील्स आर मेड इन अ कोन शेप एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 1:20 एंड द सेम स्लोप इज प्रोवाइडेड इन द रेल्स, दिस इज नोन एज अ कोनिंग ऑफ व्हील्स। हम लोग जो यहाँ पे कोन दे रहे हैं, कोन कुछ इंक्लाइन पोर्शन में, जैसे आपको यहाँ पे जो मैं अभी आपको कोन में बनाया था, तो कोन में आपको ये दिख रहा है कुछ इंक्लाइन पोर्शन में आपका रेल बैठा हुआ है। ठीक है, कोन को इंक्लाइन पोर्शन में हम लोग अपने व्हील्स को बनाया हुआ है, तो वो इंक्लिनेशन कितना है, 1:20, ये हमेशा याद रखना आप लोग को, क्या आप याद रखेंगे, 1:20 में हमारे जो व्हील्स हैं उनको इंक्लाइंड किया रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1:20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारा जो व्हील्स है कितने इंक्लिनेशन में कौन रहता है, 1:20 एंगल में इंक्लाइन रहता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका, कोनिंग ऑफ व्हील्स। आगे तो देखते हैं इसी में, कोनिंग ऑफ व्हील्स में, द डायमीटर ऑफ व्हील इज डिफरेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्हील्स, व्हेन द ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक ट्राई टू मूव इन एनी डायरेक्शन, द डायमीटर ऑफ द व्हील इंक्रीजेज ओवर द रेल एंड द व्हील्स असेंबली इज ऑटोमेटिकली फोर्स टू मूव बैक इन इट्स ओरिजिनल सेंट्रल पोजिशन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस मूव ओवर टू रेल्स। देखो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसी को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो व्हील्स बना हुआ है किस शेप में, कौन शेप में, तो कौन शेप में होने के कारण इसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कोनिंग ऑफ व्हील्स बनाता हूँ, देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे कि ये आपका एक व्हील सेक्शन है जो कोन शेप में है ना, ये ऐसा बन के बना दिए, एक कोनिंग ऑफ व्हील्स बना दिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक सेक्शन पे इसका जो डायमीटर है चेंज हो रहा है। ठीक है, इस पोर्शन पे अलग डायमीटर है आपको दिख रहा होगा, है ना, वैसे ही इसके इसके बगल जस्ट इसके बगल जस्ट बगल में क्या होगा, इसका डिफरेंट डायमीटर है, फिर उसके बगल में डिफरेंट डायमीटर है ना। देखो यहाँ पे लगातार इसका जो डायमीटर है लगातार यहाँ पे क्या होते जा रहा है, ये चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो चेंज होने के कारण इसी का, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जो सेकंड लाइन अपन देख रहे थे यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ व्हील इज डिफरेंट। ठीक है, डायमीटर ऑफ द व्हील्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एट द व्हील्स। देखो ये कोन शेप में होने के कारण जो आपका जो व्हील्स है, व्हील्स कैसे चलता है, आपका अंदर की तरफ बैठ के चलता है, आपका जो ट्रेन है अंदर की तरफ बैठ के चलता है, अंदर की तरफ दब के चलता है, इसलिए के चलता है क्योंकि अगर ये दब के नहीं चलेगा तो क्या होगा, अगर कोन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो व्हील्स है आपके रेल से हट सकता है, मतलब डिरेलमेंट होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए भी हम लोग इसको कोन कोन शेप बनाते हैं, ताकि आपका जो ट्रेन है एकदम अंदर दब के चले, ताकि आपका जो व्हील्स हैं रेल्स के बाहर ना जाए। ठीक है, रेल्स के बाहर व्हील्स ना जाए उसके लिए हम लोग और भी सिस्टम देते हैं, कोनिंग ऑफ व्हील्स एक सिस्टम तो है ही, अपन एक और चीज देंगे, आपके व्हील्स में एक फ्लैंज देंगे। ठीक है, फ्लैंज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फ्लैंज के बारे में, जैसे कि अगर ये आपका कोन शेप है, फिर डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ आप लोग को, अगर ये हम लोग क्या बनाए हैं यहाँ पे कोन शेप में आपका
व्हील्स बनाया हुआ है। तो इसके जस्ट बगल में ना हम लोग क्या देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैंजेस देते हैं, ठीक है। फ्लैंजेस मतलब हल्का सा पोर्शन उभरा हुआ, इस प्रकार से हम लोग देते हैं। ऐसा देने के कारण आपका क्या होता है, जो ये वाला जो पोर्शन है, जो नीचे का आपको जो फ्लैंज पोर्शन दिख रहा है आपको, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये पोर्शन है जो रेल्स को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। ये जो फ्लैंजेस हैं रेल्स को कहा कि आपके जो व्हील्स हैं व्हील्स को बाहर जाने से रोकते हैं। इसका बहुत बड़ा काम है, व्हील्स को बाहर जाने से रोकने का काम कौन करता है आपका, ये फ्लैंजेस करते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं डेफिनेशन में और क्या लिखा हुआ था। ये दब के चलता है, इसलिए आपका जो व्हील्स है रेल सेक्शन के बाहर नहीं जा पाता है और आप सुरक्षित आप अपने ट्रेन में ट्रेवल कर पाते हैं, है ना। तो यही बस चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ व्हील्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एट द व्हील्स व्हेन द ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक ट्राई टू मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। जो आपका ट्रेन होता है जो व्हील्स, इसका कोन होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट आपका सेक्शन पर जाता है। कभी आपका व्हील्स इधर जाता है, देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, कभी आपका व्हील्स इधर जाता है, कभी आपका व्हील्स इधर जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो लास्ट में क्या होता है, आपका सेंटर पोजीशन पे आ जाता है। क्यों? कोनिंग शेप में होने के कारण, ठीक है। तो वही बस यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ से पढ़ना, द डायमीटर ऑफ द व्हील इंक्रीजेस ओवर वन रेल एंड द व्हील असेंबली इज ऑटोमेटिकली फोर्स टू मूव बैक ऑन इन इट्स ओरिजिनल सेंट्रल पोजिशन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस मूव ओवर टू रेल्स, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में, वेयर एज ऑन अ कर्व ट्रैक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखना इसमें आगे लिखा हुआ है, ड्यू वेयर एन अ कर्व ट्रैक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द ट्रेन इज फोर्स इन आउटर डायरेक्शन एंड द डायमीटर ऑन आउटर ट्रैक इंक्रीजेस एंड द डिस्टेंस ऑन टू ट्रैक इज एडजस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आपका जो व्हील्स है कुछ इस प्रकार से आपका कोन शेप में, जब ये राइट साइड में जाएगा तो राइट साइड में जैसे जैसे जाते जा रहा है तो इसका डायमीटर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे जैसे आपका जो रेल सेक्शन आपका जो व्हील्स है राइट साइड जाएगा तो इसका डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे, अगर ये हमारा व्हील्स है, थोड़ा दूर बनाते हैं आपको दिखेगा, नहीं तो मैं ही हूँ साइड में, तो ठीक है, ये आपका एक व्हील बन गया और ये आपका दूसरा व्हील बन गया। इसके बगल में बीच में क्या होता है, एक्सल होता है ना, एक्सल बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये राइट साइड मूवमेंट करेगा, किधर साइड मूवमेंट करेगा, राइट साइड, मतलब क्या हो रहा है, व्हेन ऑन अ कर्व ट्रैक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द ट्रेन इज फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सपोज राइट इज अ आउटवर्ड डायरेक्शन, अगर राइट साइड में ये मूवमेंट करेगा तो आपका जो व्हील्स है कुछ इधर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन का जो डायमीटर है, इस पोर्शन पर आपका मतलब आपका जो आउटर रेल्स पे जो व्हील्स के डायमीटर ज़्यादा टच होंगे, और यहाँ पे जो आपका जो इनर व्हील्स है, आपका जो इनर रेल्स रहेगा, इनर रेल्स में आपका जो डायमीटर ऑफ व्हील्स है पे कम टच रहेगा, बस यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन आउटर साइड में जाने के कारण, जब आप सोच रहे होंगे अगर ये आउटर साइड में आउटर डायरेक्शन में ये मूवमेंट होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इसको बाहर की तरफ फेंकेगा तो आपका व्हील्स भी डिरेलमेंट होना चाहिए। डिरेलमेंट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए रहते हैं, आपके फ्लैंजेस लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इसी के बारे में आपको बता रहा था उस टाइम, अभी जस्ट पहले, यहाँ पर क्या लगा हुआ रहता है, फ्लैंजेस कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन ऐसा बाहर निकला हुआ रहता है जो व्हील्स को रेल के बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। तो ये है आपका कोनिंग ऑफ व्हील्स, इसका डायग्राम देख लेते हैं। कोनिंग ऑफ व्हील्स का डायग्राम कुछ डायग्राम इस प्रकार से है, ठीक है। सेम टू सेम आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, ये पूरा शेप है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा जो शेप था, कौन कितने एंगल में शेप था आपका, 1:20 एंगल में शेप, 1:20 एंगल में इंक्लिनेशन था आपका कौन का, है ना, वैसे यहाँ पे भी ये है, और वैसे आपका जो रेल भी इंक्लाइन था आपका 1:20 एंगल में, रेल सेक्शन भी इंक्लाइन थे। इसका मतलब ये नहीं समझना कि रेल को भी इंक्लाइन बनाया जा रहा है, रेल सेक्शन इंक्लाइन नहीं बनते हैं, स्लीपर को हम लोग थोड़ा इंक्लाइन करते हैं। तो स्लीपर इंक्लाइन होने के कारण जब हम लोग स्लीपर सेक्शन पे, स्लीपर पे जब अपन रेल को रखते हैं तो रेल ऑटोमेटिकली आपका इंक्लाइन हो जाता है, कौन से एंगल पे, 1:20 डिग्री एंगल पे वो ऑटोमेटिक इंक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम आपको डायग्राम बनाना है एज इट इज, क्लियर है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं,
पर्पस तो आपको समझ आ ही गया होगा, मैंने इतने बार आपको बताया। जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, आपका जो ट्रेन है वो अंदर की तरफ दब के चलते हैं, अंदर की तरफ दब के चलने के कारण, दब के चल रहा है मतलब वो अपने सेंट्रल पोजीशन बरकरार रख रहा है ना। क्या कर रहा है वो, अपना सेंट्रल पोजीशन बरकरार रख रहा है और डिरेलमेंट नहीं हो रहा है ना। और डिरेलमेंट अगर कोनिंग ऑफ व्हील्स देने के कारण आपका डिरेलमेंट नहीं होता है, अगर आपका फ्लैट फेस देते ना तो ये इधर खसक के रेल के बाहर चले जाता, तो डिरेलमेंट होने के चांसेस होते हैं और एक्सीडेंट हो सकता था। तो वही बस आपका पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कीप द ट्रेन इन इट्स सेंट्रल पोजीशन ऑफ द रेल्स, कोनिंग डज नॉट अलाउ एनी साइड वाइज मूवमेंट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। क्लियर है? इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, टू अलाउ द व्हील्स टू मूव डिफरेंट डिस्टेंस ऑन अ कर्व ट्रैक, देयर बाय रिड्यूस वियर एंड टीयर। जैसे कि जो आपका कोनिंग ऑफ व्हील्स, या जैसे हम लोग देखे थे कोनिंग ऑफ व्हील्स, ऑटोमेटिक इसका जो डायरेक्शन है आपका, कभी व्हील्स इधर जा रहा है कभी व्हील्स इधर जा रहा है, तो कभी भी ये अपने एक एक पोजिशन पर नहीं चल रहा है। तो एक 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 सेक्शन पर नहीं चलने के कारण रेल सेक्शन कम घिसाता है ना। मतलब अपना जो जो आपका जो व्हील्स है, व्हील्स बार बार अपना पोजिशन थोड़ा चेंज करता रहता है। ठीक है, तो चेंज होने के कारण जो रेल सेक्शन का जो सरफेस है, सारे सरफेस पे इक्वल लोड्स आ जाते हैं, जिसके कारण किसी एक स्थान पे वियर एंड टियर नहीं होता है। वियर एंड टियर क्या होता है, टूटना या फूटना, बार बार घर्षण होने के कारण जो रेल सेक्शन है वो टूट जाते हैं, थोड़ा घस जाते हैं और वो उसका जो डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ कम होगा अगर अपन आप क्या करेंगे, कोनिंग ऑफ व्हील्स देंगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कोनिंग ऑफ व्हील्स, और भी एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं जैसा भी आपको, जैसे भी आपको लगता है। जैसे कि हम लोग कोनिंग ऑफ व्हील्स में फ्लैंजेस भी देते हैं, फ्लैंजेस का काम किया है आपके व्हील्स को रेल के बाहर जाने से रोकता है, कौन, फ्लैंजेस। ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर वाले डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे फ्लैंजेस ऑफ व्हील यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, फ्लैंजेस ऑफ व्हील, यही क्या आपका फ्लैंज पोर्शन है जो आपके व्हील्स को रेल के बाहर जाने से रोकता है, जिसे डिरेलमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका पर्पस ऑफ, देखो पर्पस भी एक ही चीज़ है और इसका पर्पस को आप एडवांटेज की तरह भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही मतलब है। तो एडवांटेज भी देख लेते हैं अपन, एडवांटेज ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील्स, जैसे कि उसमें देखा था वियर एंड टीयर कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आपका जो व्हील्स है लगातार अपना पोजिशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, आपका पोजिशन चेंज कर रहा है, थोड़ा इधर हिलता है थोड़ा इधर हिलता है, फिर आपका सेंटर पोजिशन आ जाता है, फिर इधर उधर थोड़ा हिलते रहता है, इसलिए क्या होता है उसमें वियर एंड टीयर होने की संभावना कम होती है। किसमें, रेल्स में, है ना, जो रेल सेक्शन है, रेल्स क्या होता है, जो यहाँ पे स्टील सेक्शन बिछाते हैं हम लोग, जिसके ऊपर व्हील्स चलता है आपका ट्रेन का व्हील्स चलता है, उसको अपन क्या रेल बोलते हैं, है ना, रेल सेक्शन। तो रेल सेक्शन में वियर एंड टियर की संभावना थोड़ी कम हो जाती, होती तो है लेकिन थोड़ी कम होती है। तो पहला एडवांटेज यही है, टू रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ द व्हील्स फ्लैंजेस एंड रेल्स विच इज ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ फ्लैंजेस विच इनसाइड फेस ऑफ द रेल हेड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, टू प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सल विथ इट्स व्हील्स, एंड जो लास्ट है, टू प्रिवेंट द व्हील्स फ्रॉम स्लीपिंग टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एडवांटेज है, एडवांटेज में वही सब लिखा हुआ है जो अपन पर्पस से पढ़े थे, कि वियर एंड टियर को रिड्यूस करता है, सेंट्रल पोजीशन को बरकरार रखता है, मतलब सेंट्रल पोजीशन को बरकरार रखना मतलब यहाँ पे स्लीपिंग कम हो रहा है ना, स्लीपिंग कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन को बरकरार है, और ये एक प्रकार का क्या देता है आपको, जो कोनिंग ऑफ व्हील्स के कारण हमको लेटरल मूवमेंट मिलता है, मतलब सीधा एक हमको सीधा मूवमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवांटेजेस, हो गया एडवांटेज ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील्स, एडवांटेज और पर्पस लगभग सेम है, आप दोनों को देखेंगे मिलाएंगे तो दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, बाकी तो दोनों के दोनों सेम चीज़ ही बोल रहे हैं। क्लियर है, इसके बाद आगे देखते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, मैंने आपको तो बताया कि एडवांटेज बताया, मतलब कोनिंग ऑफ व्हील्स बहुत अच्छा चीज़ है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज यही है कि इसमें क्या होता है, जब आपका सेंट्रीफ्यूगल, जब आप कर्व ट्रैक में मुड़ते हैं, कर्व ट्रैक पर जब अपन मुड़ते हैं, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका जो ट्रेन है किधर जाता है, राइट साइड में जा रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले डायग्राम बताया था, तो जब राइट साइड में जाता है तो आउटर डायमीटर का जो फ्लैंजेस है वो आपके रेल सेक्शन पर घर्षण करते हैं, है ना, घिसा रहे हैं, तो घिसाने के कारण उस पार्ट पे आपका वियर एंड टियर हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ था, ड्यू टू द सेंट्रिफ, सेकंड पार्ट में देखना, ड्यू टू द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंड्स टू टर्न द रेल आउट एंड गेज हैज वाइडनिंग टेंडेंसी। ये तो अलग चीज लिख दिया, मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स वियर एंड टियर इंक्रीजेस एट द आउटर रेल। ठीक है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण आपके आउटर रेल में जिस डायरेक्शन में आपका सेंट्रिफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है वो आपका आउटर रेल होगा, उस आउटर रेल में वियर एंड टियर होने की संभावना अधिक हो जाएगी, और साथ ही साथ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटर रेल को व्हील्स धक्का देगा। क्या कर रहा है वो, आउटर व्हील्स को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का देने से आपका गेज डिस्टेंस भी परिवर्तित हो सकता है, और अगर गेज डिस्टेंस चेंज हुआ तो डिरेलमेंट हो सकता है ना।
ये चीज़ हो गया। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर ऑन आउटर रेल इज मोर विन विल ऑन इनर रेल इज इट लेट्स दिस रिजल्ट वियर एंड ऑफ वियर ऑफ आउटर रेल, जो कि मैंने अभी आपको बता रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आउटर रेल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है इनर रेल के मुकाबले, इसलिए उस रेल पे वियर एंड टीयर होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, वही सब चीज़ बस लिखा होगा यहाँ पे सेम टू सेम जैसे कि हमने डिस्कस कर चुका है अभी। इफ़ नो बेस प्लेट इज यूज अंडर द वॉइड स्लीपर अंडर द एज ऑफ द रेल इज डैमेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ लिखा हुआ है। देखो होता क्या है, रेल्स के जस्ट नीचे हम लोग एक ना बेस प्लेट लगाते हैं, उस बेस प्लेट के बाद आपका आपका स्लीपर रखाता है। अगर हम लोग बेस प्लेट नहीं लगाएंगे और रेल्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने जब रेलवे ट्रैक पढ़ा था परमानेंट पे पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि व्हील्स का लोड व्हील्स किसको लोड देता है, आपके रेल्स को लोड देता है, और रेल्स किसको लोड देता है, आपके स्लीपर को, स्लीपर ब्लास्ट को, ब्लास्ट आपके सबग्रेड को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग बेस प्लेट नहीं लगाएंगे ना तो एकदम आपका बहुत ही अधिक लोड पड़ेगा आपके आपके रेल सेक्शन का स्लीपर पे, तो स्लीपर पे एकदम आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड नहीं होगा तो स्लीपर टूट सकता है ना, इसलिए वहां पे हमको बेस प्लेट लगाना जरूरी होता है। इफ नो बेस प्लेट इज यूज्ड अंडर द वॉइड स्लीपर अंडर द एज ऑफ द रेल्स आर डैमेज। क्लियर है यहां तक का? इन्हीं डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेल सेक्शन को भी थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द अबाउट डिमेरिट्स टिल्टिंग ऑफ रेल इज डन। ठीक है, टिल्टिंग ऑफ रेल्स मतलब हम लोग, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था डेफिनेशन में, देखो यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था कि रेल सेक्शन भी आपका 1:20 पे इंक्लाइन रहता है। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है आप पढ़ सकते हैं इस पोर्शन पे लिखा हुआ था। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द व्हील्स आर मेड इन कोन शेप एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 1:20 एंड द सेम स्लोप। ठीक है, यहाँ से पढ़ना एंड द सेम स्लोप इज प्रोवाइडेड इन द रेल्स। ठीक है, यही चीज़ के यहाँ पर टिल्टिंग ऑफ रेल है, सेम स्लोप हम लोग रेल में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, रेल सेक्शन को हम लोग इंक्लाइन नहीं बना रहे, हम लोग किसको इंक्लाइन बनाते हैं, स्लीपर को हल्का सा इंक्लिनेशन देते हैं थोड़े साइड साइड से, ताकि जब स्लीपर के ऊपर हम लोग रेल सेक्शन को रखें तो रेल सेक्शन ऑटोमेटिकली 1:20 डिग्री में आपका इंक्लाइन हो जाए, जिससे आपका जो रेल सेक्शन टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ रेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेल सेक्शन को इंक्लाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसको इंक्लाइन कर रहे हैं, आपके स्लीपर को, स्लीपर को हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं 1:20 डिग्री में इंक्लाइन बना रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ एक बार बना के, आपका जो व्हील्स होता है, आपका जो स्लीपर होता है ना, स्लीपर एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है, हल्का सा कॉर्नर कॉर्नर से हल्का इंक्लाइन रहता है, ऐसा ज़्यादा इंक्लाइन हो गया, हल्का हल्का ऐसा इंक्लाइन रहता है। ठीक है, ऐसा ऐसा इंक्लाइन रहता है, तो जब ऐसे रेल सेक्शन पे ऐसे हमारा, अगर हम लोग इस तरीके से हमारे स्लीपर को एडजस्ट करते हैं, तो आपका जो अगर इसके ऊपर आप रेल्स को रखेंगे तो रेल्स ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, रेल्स को अपन सीधा ही बना रहे हैं, लेकिन रेल को जब अपन जो स्लीपर को जो इंक्लाइन पोर्शन में रखेंगे तो आपका रेल सेक्शन भी इंक्लाइंड हो जाएगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ रेल। और जो हम लोग हमारे स्लीपर को एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो स्लीपर को जब अपन 1:20 डिग्री में एडजस्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजिंग ऑफ स्लीपर। ये भी अलग से क्वेश्चन आता है कि एडजिंग ऑफ स्लीपर क्या होता है, तो एडजिंग ऑफ स्लीपर बता सकते हैं कि रेल सेक्शन को हम लोग 1:20 डिग्री में इंक्लाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग स्लीपर को हल्का इंक्लिनेशन देते हैं, कौन से डिग्री पे, 1:20 डिग्री पे। ठीक, क्योंकि अगर 1:20 पे अगर अपन स्लीपर को इंक्लाइन करेंगे तो आपका रेल सेक्शन भी ऑटोमेटिक आपका 1:20 में इंक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लीपर में स्लीपर को एडजस्ट करना एट अ डिग्री ऑफ 1:20 इज नोन एज अ एडजिंग ऑफ स्लीपर। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेल सेक्शन को टिल्ट करने के लिए हमारे स्लीपर को टिल्ट कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, एडजिंग ऑफ स्लीपर बोलते हैं। ठीक है, आपका एडजिंग ऑफ स्लीपर दिख रहा होगा, कौन से डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 1:20 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो सारे डिग्री कितने यहाँ पे 1:20 का यहाँ पे सब जगह स्लोप है। ठीक है, तो आपको यही डायग्राम बनाना है सेम टू सेम। क्लियर है, तो आज का टॉपिक यही था कोनिंग ऑफ व्हील्स के बारे में, मे बी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आप पहले से इस चीज़ को जानते होंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और सुन के आपको और भी अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।